हेलो दोस्तों, आप सभी का गूगल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एलएमबी वर्क कैसे करते हैं, यानी एलएमबी आपको मैं खोल के बताऊंगा दोस्तों, उसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चालू है, क्योंकि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आई थी और मेरे पर्सनल भी थोड़े काम थे और मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, इसके वजह से मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था दोस्तों। तो आज मैं ये एलएमबी का टॉपिक लाया, उस पर वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। तो चलो फिर दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं। सब्सक्राइब द गूगल चैनल एंड देन क्लिक द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू। फिर से एक बार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये एलएमबी है के बैंड की, इस तरह से होती है। ये एलएमबी दो भागों में बटी हुई होती है और उसके दो कवर होते हैं। यहाँ से हम केबल की पिन लगाते हैं। तो ये के बैंड की एलएमबी है दोस्तों। कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद ये धुप की वजह से ख़राबी हो जाती है। तो ये एलएमबी में होता क्या है, मैं आज आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको ड्राइवर से ये दो कवर अलग करना पड़ेगा और सामने का टॉप वो भी अलग करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी मैं खोल रहा हूँ इसको, तो कवर अलग कर चुका हूँ मैं। देखिए, मेटल की बॉडी है इसकी पूरी, इसकी मेटल की बॉडी होती है दोस्तों। और दो ये जो आप सफ़ेद अलग दिख रहा है, ये एक सॉल्यूशन है, इसको वाटर सॉल्यूशन बोलते हैं दोस्तों। इससे क्या पानी यानी ये वाटर लीक होती नहीं है और इसमें पानी जाता नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे एक सॉल्यूशन लगा देती है कंपनी। इसके अंदर भी देखिए दोस्तों, एक आड़ा और दो कटे हुए एक रॉड रहते हैं, इसके वजह से ये सिग्नल पकड़ती है। बहुत से लोग बोलते एच डी एल एम बी और सादी एल एम बी अलग अलग होती है, क्या वैसा नहीं होता है। सभी एल एम बी सरीका रहती है, कोई एच डी की नहीं रहती, कोई सादी नहीं रहती। तो इस तरह से एल एम बी होती है दोस्तों। अगर ये आपको जानकारी पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर जरूर करें। तब तक के लिए दूसरे वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।